जय श्री राम सब लोगों को। तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली का पहला नाश्ता, जो कि है खस्ता लच्छा पूरी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले मैदा लिया है। तो हम कप के मेज़रमेंट से आपको मैदा बताते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 कप जितना मैदा लिया है, आप भी 4 कप ले लीजिएगा, या फिर आप ज़्यादा ले रहे हो तो उस हिसाब से सारे मेज़रमेंट ले लीजिएगा। और 4 कप मैदे में हमने 2.5 टेबल स्पून जितना बटर ऐड किया है, उसके अंदर ऐड करना है नमक स्वाद अनुसार। और हमने यहाँ पे जीरा लिया है, और जीरे को अच्छे से हमें दोनों हाथ के बीच में इस तरह से मसल के फिर ऐड कर देना है। तो 1 चम्मच जितना हमने यहाँ पे जीरा लिया है, और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो सारा बटर अंदर मैदे के अंदर घुल जाए तब तक मिक्स कर दीजिएगा। अगर आपका बटर मेल्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से घुल जाएगा। और अगर आपका फ्रीज़ किया हुआ है तो अच्छे से उसको गर्म होने तक मेल्ट कीजिएगा। और इसका मोइन जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एकदम से मुट्ठी हो जाए ना, इसका मुट्ठी बन जाए इस तरह से होना चाहिए, इतना मोइन ऐड कर देना है। अगर कम पड़े तो आप बटर ऐड भी कर सकते हैं। और फिर पानी से हम इसका आटा अच्छे से गूंथ लेंगे। तो आटा हम एकदम सॉफ्ट रखेंगे, जैसे कि हम रोटी का रखते हैं ना, उस तरह से आटा बनाना है। और ये देखिए, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट है। इसी तरह से आटा गूंथ के रेडी कर दीजिएगा। और अब हम इसको आगे की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आटे की एक लोई ली है, इसे अच्छे से हमें रोल कर देना है। और जितना हो सके उतना पतला रोल कीजिएगा। और साइड के दोनों तरफ से हमने थोड़ा सा आटा निकाल लिया है, कट कर दिया है, और एकदम सिलेंड्रिकल हमें इसका शेप देना है। और इसके कट्स लगा लेंगे, 6 टुकड़े कर रहे हैं। और इन 6 टुकड़े से हम एक एक करके हम रोटियां बेलेंगे। तो ये हमारे कट्स लग चुके हैं, इसके हम पेड़े बना लेंगे। और ये हमारे 6 पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम 2 चम्मच जितना मैदा ऐड कर रहे हैं, और उसके अंदर हमें 3 चम्मच जितना घी ऐड करना है। आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। और घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम स्मूथ हो जाए ना, रनिंग कंसिस्टेंसी हो जाए तब तक मिक्स करिएगा। और ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो इस तरह से होनी चाहिए, और एकदम अच्छे से फेंट लेना जिससे कि कोई लम्ब्स ना रह जाए अंदर। तो ये देखिए, हमारा ये वाला जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम एक लोई लेंगे और उसकी रोटी बेल लेनी है। तो रोटी हमें पतली बेलनी है, जितनी हो सके उतनी पतली बेलिएगा। तो ये हमारी रोटी बेल चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने मैदे और घी का मिक्सचर बनाया था ना, वो लगा लेना है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएगा, ज़्यादा लगाएंगे ना तो जब पूरी बेलेंगे तो क्या होगा कि सारा मिक्सचर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आपके घर पे दिवाली के नाश्ते में क्या बना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार अगर आपने वो लगा दिया है ना मैदा और घी का, उसके ऊपर फिर से एक रोटी रख देनी है, और उसके ऊपर फिर से हमें मैदे और घी का मिक्सचर जो है वो लगा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 रोटियाँ जो है वो ऊपरी उसके लेयर लगा दी है। और 5वीं रोटी जो है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा के उसको इस तरह से रोल कर देना है। और रोल को अच्छे से वापस से थोड़ा सा और मसलेंगे जिससे कि ये पतला हो जाए। और तब तक क्या करते हैं, हमें कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। जब तक हमारी ये पूरी बन के रेडी होती है तब तक हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 टुकड़े कर दिए हैं इसके, और एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको अच्छे से लंबा कर दिया है थोड़ा सा, और फिर उसकी पूरी के लिए हम लोई पे कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कट किया है। और जब आप ये कट करोगे ना तो आपको इसके अंदर लेयर्स बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। इस तरह से आप डालिएगा और ज़्यादा दबाइएगा नहीं, वरना फिर इसके लेयर्स जो है ना वो सारे चिपक जाएंगे। और एक एक पूरी को अच्छे से बेल लेना है जिससे कि सारे लेयर्स जो है ना वो खुले खुले से दिखे। ये देखिए, इस पूरी में जैसे लेयर्स दिख रहे हैं ना, वैसे आप भी बेलिएगा जिससे कि आपकी पूरी में भी लेयर्स दिखे इस तरह से। तो ये हमारी पूरी रेडी हो चुकी है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो इसे फ्राई तब तक करना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन पिंक कलर का ना हो जाए, तब तक इसे फ्राई करेंगे। और आराम से डालेगा जिससे कि ऑयल आपके ऊपर भी छींटे ना उड़े। तो ये देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छे से ये फूल भी रही है, कहीं कहीं से ये थोड़ी थोड़ी सी फूल रही है। तो आप ये खस्ता पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने बनाई या नहीं बनाई। और
इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, एक इको बैग का पेपर ले लिया है और उसके ऊपर हम निकालेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो भी इसके अंदर सोक हो जाए। अब इसके ऊपर हम चाट मसाला जो होता है ना वो स्प्रिंकल कर लेंगे जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके लेयर्स आप देख सकते हो कैसे खुले खुले से लग रहे हैं और एकदम खस्ता पूरी बन के रेडी हुई है। आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसी नई नई दिवाली के नाश्ते की रेसिपीज़ और बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती रहे। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बाय बाय। और अब हमारी पूरियाँ जो है वो हम स्टोर करके रख देंगे, तो हमारा दिवाली का पहला नाश्ता तो बनकर रेडी हो चुका है। आपने क्या क्या बनाया है ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।